सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर थर्टी सिक्स डिस्कस कर रहे हैं बच्चों क्लास एट की वर्कशीट है विषय है हिंदी व्याकरण सोलह फरवरी दो की वर्कशीट है प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं कारक के आठ भेद होते हैं यहाँ पर कारक के नाम बताए हुए हैं बच्चों और कारक के चिन्ह बताए हुए हैं ठीक है चिन्ह बोल दीजिए या प्रसंग कर्ता का यूज़ होता है नहीं के लिए मतलब किसने ये काम किया है ठीक है कर्म क को करण से द्वारा संप्रदान के लिए या किसी चीज़ को अपदान से जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही हो जैसे पेड़ से फल गिरा वो उससे अलग हो गया अधिकरण में या पर ये चीज़ कुर्सी पर रखी हुई है ठीक है इस टाइप से संबंध काकी के ये मेरी बहन है या ये, ये राम का भाई है ठीक है राम की बहन है इस टाइप से काकी के आ रहे हों जिसमें वहाँ पर संबोधन है अरे इस टाइप से जहाँ आते हैं वो संबोधन कारक कहलाता है तो आइए कारक का अभ्यास करते हैं ठीक है बच्चों पहला है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द में से कौन सा कारक है तो ये देखिए यहाँ पर पहला दिया हुआ है शाम की पत्नी मेरी बहन है तो यहाँ पर उदाहरण में इन्होंने बताया हुआ है शाम की पत्नी में की संबंध कारक है अब यहाँ पर बच्चों वह आगरा से बस से आया आगरा से ठीक है आगरा से आ चुका है वो तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे आगरा से में क्या है अपदान कारक है है भी लिख लेना आप लोग ठीक है अपदान कारक है क्या है अपदान कारक है ठीक है पूर्ण विराम लगा दिया अब यह है अरे तुमने ये ग्लास तोड़ दिया अरे आ गया यहाँ पर ठीक है अरे आ गया तो अरे हम लिख देंगे अरे तुमने में मतलब पूरा रेखांकित शब्द लिखेंगे अरे तुमने में अरे संबोधन कारक है ठीक है सीता ने सुंदर गीत गाया अब सीता ने में ने जो है ना ने वो क्या है कर्ता कारक है यहाँ पर देखिए बताया हुआ है ना ने कहा है कर्ता के लिए आता है ओके अब नेक्स्ट देखते हैं पेड़ से फल गिरते हैं पेड़ से में से जो है से वो अपान कारक है क्योंकि पेड़ से फल गिर गया अलग हो गया यहाँ पर बताया हुआ ना अलगाव के लिए अलग होने के लिए ठीक है अब क्वेश्चन नंबर टू करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित प्रसंग कारक चिन्ह द्वारा कीजिए माँ ने सौरभ को बहुत डांटा यहाँ आ जाएगा को कबूतर डाल पर बैठा है यहाँ आ जाएगा पर पत्ता पेड़ से गिर गया यहाँ आ जाएगा से पिता ने बालक को पुस्तक से समझाया ठीक है मतलब से का यहाँ पर से का मीनिंग है अलग होना नहीं बल्कि के द्वारा ठीक है यहाँ आ जाएगा से एक से से का मीनिंग ये होता है कि किसी चीज़ से अलगाव की स्थिति है मतलब वहाँ से अलग हो जाना और एक से का मतलब क्या है के द्वारा देखिए डिफरेंस क्या है अगर के द्वारा है तो वो कौन सा कारक हो गया करण कारक और अगर अलगाव वाला से है तो वो हो गया अपदान कारक ठीक है बच्चों अब आगे देखिए समान कमरे में रख दो यहाँ पर आ जाएगा मैं अब क्वेश्चन नंबर थ्री है दिए गए कारक चिन्हों से एक एक वाक्य बनाकर लिखिए यहाँ पर है के लिए अब इससे हमें वाक्य बनाना है तो हम लिख देंगे राधा राम के लिए माखन लाई ठीक है अब वो वाली राधा कृष्ण की बात नहीं हो रही है हमने ऐसे ही नाम लिख दिए ठीक है बच्चों सेकेंड है की तो यहाँ पर हमने यही से वर्कशीट से ले लिया शाम की पत्नी मेरी बहन है ठीक है आप कुछ और नाम भी लिख सकते हैं इसकी जगह अच्छा के द्वारा मैं बस के द्वारा दिल्ली गया ठीक है कुछ भी एग्जाम्पल लिखिए सूट होना चाहिए जैसे बस के द्वारा ठीक है आपको इस पर बना देंगे अध्यापक ने राम को बुलाया से इस पर वाक्य बना देंगे पेड़ से फल गिरा का इस पर वाक्य बना देंगे ये मेरी बहन का पर्स है तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग